ځمانو هم چت خان دې تعلق د اپر دیر سره لرمه او ما سمو دمخ کې د ای پی یو سپاتل کې اپریشن وکاو او محمدي رټونکو مصاله او د غنیمات تکلیف جوړ شوی نو دا صدونه مصاله نه او دا تکلیف د کډې شال تم شوی وقالتای سپرانچ سپوه ډاکټرانو دلتزاراله او پغه باندې 10 15 سکندوله کې ډاکټر سچي ماينو وکړنو اغاز سیرپ د ټونکو د وژنیمات او تکلیف جوړ شوی او بیا د غزنیمات او ښکارین نه बेरोज़ा मुश्किल तकलीफ़ी बसमीम अभी जो मैंने एक पेशेंट देखा वो इस पेशेंट की मैंने ट्रेप सर्जरी की थी लेफ़्ट आई टोटली ब्लाइंड है राइट आई जो है वो उसमें हैंड मोमेंटीज़न थी और आई पी बहुत ज़्यादा था तो मैंने इसकी ट्रेप सर्जरी की थी उसको आ, मैंने बोला था कि हम इसकी चेकअप करवाएँगे दोबारा आ, तो आप जो टके हैं उसके लिए फिर आ जाएं तो उसमें दो स्टेच थे वो अपर दीर से अपर दीर से कम अज कम छः सात घंटे इसने सफर तय करके और इस तरह ब्लाइंड पर्सन आप मुसाफिरों के गाड़ी में लेके जाना बहुत मुश्किल होता है वो वहाँ से आके वो दो स्टेच अभी मैंने निकाल दिया और वो वापस जा रहे हैं अप, अपर दीर या इधर स्टे करेंगे पेशावर में क्योंकि वापस तो जाना भी मुश्किल होता है मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इतने छोटे से काम के लिए या दोबारा चेकअप के लिए या इस तरह का जो एक पेशेंट हो जो इसको कोई पता ना हो कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ क्या होने वाला है या कौन सा मेरा प्रोसीजर हो रहा है तो उसके लिए अगर हम कुछ इस तरह का सिस्टम बनाएं कि उधर जो डॉक्टर बैठा हुआ है वो मेरे साथ डायरेक्टली कंटेक्ट करें या हमारे नेटवर्क में आ जाएँ और वो डायरेक्टली हम एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट करके उस पेशेंट को वही रास्ता बता के या उसको एक एडवाइस दे के, के हम आज आपका ऑपरेशन करते हैं या स्टेचेस खुलवाते हैं या आप इसका स्टेचज खोल दें तो बस स्टेचेस खोलना तो कोई भी बंदा कर सकता है मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक भी कर सकता है कि स्टेचज इसका खोल दें तो यही मेरा मकसद है कि इसके लिए कोई इस तरह का सिस्टम बनाए कि लोग बजाय इसके कि प्रॉपर जो रेफरल हो वो प्रॉपर रेफरल हो इस तरह ना हो कि कुछ छोटे से बात पूछने के लिए लोग देर से या पर दीर से पेशावर आएँ और आपके साथ मेरे इतने वेट करके और वो एक बात आपसे पूछें और फिर वापस चले जाएं थैंक यू सो मच